भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से राज्य दर राज्य बढ़ते हुए आज सुबह राजधानी दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने से पहले राजधानी में यात्रा के रूट को लेकर भी पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीन दौर की बातचीत में यात्रा का रूट फाइनल हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही इस यात्रा को शनिवार सुबह बदरपुर बॉर्डर से शुरू किया गया, जो अपने गंतव्य लाल किले पर एक सभा के रूप में समाप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। राहुल गांधी ने हरियाणा के फरीदाबाद से दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए बदरपुर बॉर्डर पहुंचे। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख अनिल चौधरी भी वहां मौजूद थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल भी इस यात्रा में शामिल हुए। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से रवाना हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 9 राज्यों से होकर गुजर चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी और उनके साथ पूरे समय चलने वाले पदयात्री 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का पैदल सफ़र तय कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी की यह पदयात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक जाने वाली है, जिसके लिए उन्हें अभी 500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना है। शनिवार शाम दिल्ली के लाल किला मैदान में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो राहुल गांधी के साथ साथ मंच पर दक्षिण भारतीय फिल्मों में जाने माने कलाकार और नेता कमल हासन और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। लाल किले से लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मीडिया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि नफरत की राजनीति और चीन के मुद्दे पर सवाल किए। लाल किले से लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मीडिया और बीजेपी को निशाने पर लिया और नफरत की राजनीति और चीन के मुद्दे पर सवाल किए। राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, समझने की कोशिश करते हैं इन 10 बिंदुओं से। पहला, मीडिया में अब हिंदू मुस्लिम दिखाया जाता है, इसके जरिए नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन ये कसूर मीडिया वालों का नहीं है बल्कि उनके पीछे जो उनके मालिक हैं ये उनकी। मैं 2800 किलोमीटर की सफ़र के दौरान लाखों लोगों से मिला हूं, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया वाले ये कतई नहीं देखते। सच्चाई ये है कि 24 घंटे मीडिया में नफरत की खबरें दिखाई जाती है और लोगों का ध्यान भटकाकर जनता का पैसा इनके मालिकों के जेब में जाता है। ये सब हर कोई जानता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। GST के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी नहीं है, ये छोटे और मंझले व्यापारियों को मारने का हथियार है। ऐसा करने का कारण ये हुआ कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि गेम को समझो, GST रोजगार देने वालों पर लगाया जाता है और उनकी कमर तोड़ दी जाती है, अब वे युवाओं को रोजगार कैसे दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने धर्म की बात उठाई तो मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ। मैंने सवाल किया कि हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि गरीब लोगों को कुचलना चाहिए, कमजोरों को मारना चाहिए। मैंने गीता और उपनिषद पढ़े लेकिन ये बात कहीं भी लिखी हुई नहीं है, और अगर कहीं लिखी हुई है तो भाजपा के नेता मुझे जरा बताएं। अडानी अम्बानी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे जानवरों पर लगाम लगी हुई है, वैसे ही प्रधानमंत्री पर भी लगाम लगी हुई है। ये समझना जरूरी है कि बंदरगाह उनके, कंपनियां उनकी, फोन उनके, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। इस पर वह आगे कहते हैं कि जब मैं राजनीति में आया था तो मीडिया वाले मेरी प्रशंसा करते थे, फिर मैं भट्टा परसोल गया और मैंने किसानों की ज़मीन का मामला छेड़ दिया। इसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गए, प्रधानमंत्री और बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपये लगा दिए मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए। मैं उस समय भी शांत रहा, मैंने कहा देखते हैं कितना दम है। फिर एक महीने में मैंने सच्चाई दिखा दी। चीन और भारत के साथ जारी सीमा विवाद का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया में सच्चा मुकाबला चीन और भारत के बीच है। चीन में 2000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सेना में नहीं आया है। पेज, प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में नहीं आया है, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना 21 बार उनसे क्यों बात कर रही है। दोनों देशों के बीच मुकाबला आर्थिक है, हमारे इस्तेमाल की गई चीज़ें चीन में बनी हैं, हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जहाँ हर तरह से सामानों के पीछे मेड इन इंडिया लिखा हो, तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ये 24 नहीं, हमें ये करके दिखाना होगा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुँचने पर कमल हसन और मल्लिकार्जुन खड़गे
भी यात्रा में शामिल हुए और लाल किले से कमल हसन ने संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद को तमिल कहा है और इस नाते मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सवाल करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये 5 साल की योजना जैसा नहीं है, हम लंबे वक्त की तरफ देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कश्मीर में तिरंगा झंडा फहरा कर ये यात्रा खत्म होगी। सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है, इसलिए कोविड और कोविड के प्रोटोकॉल की बात कर रही है। मैंने देखा है कि वो सदन में मास्क लगाकर आते हैं, लेकिन शादी में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते। बीजेपी सरकार लोगों में डर पैदा कर रही है और इस यात्रा को तोड़ने के लिए ये सब काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस चीन के भारतीय सीमा के अतिक्रमण के विषय में संसद में चर्चा करना चाहती है, लेकिन सरकार इससे बचना चाहती है। सरकार चर्चा से पीछे हट रही है, लेकिन हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। वहीं आगे खड़गे कहते हैं कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान 2800 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और आगे भी अपना सफ़र जारी रखेंगे। इस दौरान वो केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कोविड नियमों का पालन करने की अपील के बीच राजधानी पहुंची यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सवेरे दिल्ली पहुंची तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील के बीच राहुल की यात्रा ने राजधानी में प्रवेश किया है। भारत जोड़ो यात्रा ने 107 दिनों में लगभग 3000 किलोमीटर का सफर पूरा किया है। यात्रा ने 108वें दिन दिल्ली में प्रवेश किया। राहुल के साथ बड़ी तादाद में लोग चल रहे हैं। राजधानी पहुंचने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा, वे नफरत फैलाते हैं, हम प्यार बांटते हैं, हम सभी भारतीयों को गले लगाते हैं। आगे कहते हैं कि जब मैं कन्याकुमारी से चला तब मुझे एक बात पता चली कि इस देश में नफरत नहीं, इस देश में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। नफरत सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं। इस यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग साथ चल रहे हैं। अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, लगभग हर एक वर्ग इस यात्रा में जुड़ रहा है। इस यात्रा के अंदर एक हिंदुस्तान है। भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगारी, महंगाई, डर और नफरत के खिलाफ है। देश के दक्षिणी छोर से राजधानी तक का लंबा पैदल सफर तय करके दिल्ली पहुंचने पर राहुल गांधी केंद्र की सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगारी, महंगाई, दर और नफरत के खिलाफ है, लेकिन केंद्र सरकार की सारी नीतियां डर फैलाने के लिए है। ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, युवा सभी के दिलों में डर हो। पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि उनकी यात्रा का मकसद नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का है। मैंने ये बात आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बताई है। बीजेपी नफरत फैलाती है और हम प्यार बांटते हैं। दिल्ली पहुंचने पर राहुल गांधी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी अलग अलग राज्यों में यात्राएं निकाल रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा और हमें चिट्ठी भेज रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा था। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, वो इसे रोकना चाहती है। मांडविया की इस अपील पर सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की ओर से लगातार यात्रा को नाकाम करने की कोशिशों के बावजूद उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जयराम ने कहा, मैंने कई ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि जो लोग यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे उनके घरों की बिजली काट दी गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा में शामिल हर व्यक्ति का टीकाकरण हुआ है, हर यात्री को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगाई जा चुकी है, यात्रा में शामिल कुछ लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया कि भारत जोड़ो यात्रा के 108वें दिन दिल्ली में पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वहां हलचल और बेचैनी बढ़ी हुई है, लेकिन राहुल गांधी की यह बात याद रहनी चाहिए, कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकता। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रुख लेती है। कोविड नियमों का जो जयराम रमेश धता बता रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा कुछ है, या फिर राहुल गांधी फिर कोई ना कोई नई बात कहकर इस बात को ख़त्म कर देंगे। इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टिके।